धरापुर नाम के गांव में शिंदे कहकर एक मैकेनिक कार्स बाइक्स को रिपेयर करते हुए जिंदगी गुजारा करता था। एक बार उनकी माँ की तबीयत खराब होकर बिस्तर पकड़ लिया, तब डॉक्टर आकर उन्हें देखकर इनको दिल का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए 5 लाख रुपए खर्चा होगा, फिर इतने पैसे कहाँ से लाना है कहकर शिंदे बहुत दुखी होने लगा था। एक बार उसे गांव के ऊपर से एक एरोप्लेन जाता हुआ नजर आया। उस विमान को क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इंजन में से धुआं निकलने लगी। उस विमान का पायलट ऐसे कहते हुए बहुत घबरा गया और उसे सुरक्षित नीचे उस गांव में उतारा। उस विमान को बहुत देर तक जांच किया, लेकिन उसका समस्या क्या है कि पता नहीं चला। इतने में शिंदे बाइक के ऊपर उधर आया। सर मैं एक मैकेनिक हूँ, आपका विमान को जांच करके उसका प्रॉब्लम क्या है बताऊँ क्या? क्या तुम केवल बाइक मैकेनिक हो और विमान को रिपेयर करोगे? ठीक है करो, देखेंगे। फिर शिंदे बहुत देर तक उस विमान का जांच किया और बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में उसे रिपेयर किया। वाओ वंडरफुल, आई कांट बिलीव इट, हाउ इज इट पॉसिबल मैन? सर इंजन में जाने वाले पाइप में ब्लॉकेज हो गया था और उसे मैंने क्लियर कर दिया। इंजन बोले तो कोई भी इंजन है ना सर, उसका तरीका को समझे तो कैसे भी इंजन को रिपेयर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है सर, इसलिए मैंने रिपेयर किया। वेरी गुड, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या मदद चाहिए? तब शिंदे उनके माँ के बारे में बोला। क्या 10 लाख रुपए? इतने पैसे मेरे पास नहीं है सॉरी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरी हो तो मुझे आकर मिलो, लेकिन इतने पैसे मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी, कहकर फ्लाइट लेकर उड़ गया। एक दिन उस गांव में एक आदमी घोषणा करने लगा। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, कल हमारे गांव में एक प्रतियोगिता है, हमारे जमींदार राव बहादुर के दादाजी के जन्मदिन के लिए हो रहा मुकाबला में हिस्सा लीजिए और 10 लाख रुपयों का इनाम जीतिए। आइए भाई आइए, आपका सौभाग्य का परीक्ष कीजिए, ऐसा पुकारते हुए जा रहा था। उसे सुनकर शिंदे की मन में मंशा पैदा हुआ। अगले दिन वो मुकाबले के लिए जमींदार के घर जाकर देखा तो उधर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। मेरे प्यारे गांव वासियों, हमारे वंश हमेशा इस गांव के लोगों के भलाई के लिए ही सोचता रहता है। आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है, वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके यादगार में हो रहा इस कार्यक्रम के वजह से उनके आत्मा को शांति मिलेगी। आज का प्रतियोगिता ये है कि उधर दिखाई दिए बांस से जो भी लोगों के लिए उपयोग होने वाला वस्तु बनाएगा वही इस प्रतियोगिता में जीतेगा। जो भी शामिल होना चाहते है आगे आइए। ऐसे एक युवक उस बांस से घर बनाना शुरू किया और एक युवक गांव के बाहर नहर के ऊपर एक पुल बनाने लगा। शिंदे बांस से एक विमान बनाना शुरू किया। उस फ्लाइट पायलट को फोन करके, सर मैं शिंदे हूँ, पहचाना? मुझे एक मदद की जरूरी है। हाँ शिंदे, कैसे हो, अच्छे हो क्या? उस दिन मैं तुमको कुछ नहीं कर पाया, अब बोलो क्या करना है। सर मुझे एक विमान की इंजन की जरूरी है, मैं इधर एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ, कहकर उस प्रतियोगिता के बारे में पूरा विवरण दिया। तब पायलट एक कार में आकर उसे एक विमान का इंजन दिया। तब शिंदे उस इंजन को बैम्बून विमान को लगाया और उसके अंदर चढ़कर उसे शुरू किया और यूं हवा में उड़ाया। उस बैम्बू विमान को उड़ते हुए देखकर तब लोग हैरान हो गए। फिर वापस आकर विमान जमींदार के घर के सामने उतरा। फिर एक युवक आके, जमींदार जी मैं बांस की लकड़ी से इस घर को बनाया, गरीब आदमी बहुत कम खर्चे में इसे बना सकता है, ऐसे निर्माण किया, ऐसे घर 4 लोगों को सहारा देता है, इसलिए वो पहला इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। इतने में दूसरा आदमी आया और जमींदार जी से, जमींदार जी हमारे गांव के लोगों को पैसे कमाना है तो शहर जाना जरूरी है, रोज लोगों को नहर पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब मैंने जो बनाया है वो पुल से सब आसानी से नहर पार करके शहर जा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं सर, इसलिए वो पहला इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है वे दोनों जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शिंदे तुमने ये विमान को बनाया, इसकी जरूरी किसको होगी? जमींदार जी आदमी बिना सहारा भी जी सकता है,
पैसों के बिना भी जी सकता है, लेकिन जीवित रहने के लिए जान बहुत जरूरी है। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है और एम्बुलेंस दूसरे गांव से आने के लिए बहुत वक्त भी लग जाता है। हमारे आंखों के सामने ही वक्त में इलाज नहीं मिलने से बहुत जान चले गए, इसलिए मैं इसे एक एम्बुलेंस विमान जैसा बनाया। किसी को भी कुछ हुआ तो तुरंत इसमें शहर में हॉस्पिटल को ले जा सकते हैं। जान बचाए तो उससे बढ़कर क्या होगा। इसको पेट्रोल और डीजल की भी जरूरी नहीं है, एक बार चार्जिंग किया तो 100 किलोमीटर आएगा। मेरी माँ की जान बचाने के लिए इस प्रतियोगिता में जो आप दे रहे हैं उस पैसों की बहुत जरूरी है जमींदार जी, जरा समझिए। यह सुनकर सब लोग तालियां बजाए। फिर जमींदार 10 लाख रुपए शिंदे को दिया। बाद में शिंदे की माँ की इलाज हुआ और वो बहुत ठीक हो गई। ऐसे जरूरी में लोगों को उनकी विमान में ले जाने लगा। कभी कभार छोटे बच्चों को भी उस विमान में घुमाता था। मार्कापुर के गांव में मोटू कहकर एक आदमी रहता था। वो कुछ काम काज किए बिना ऐसे ही घूमता रहता था। गांव में कोई भी, क्यों रे ऐसे खाली घूमते हो, कुछ काम तो कर सकते हो ना। हेलो मिस्टर, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता हूँ, मेरे होशियारी दिमाग का हिसाब से काम मिला तो ही करता हूँ। आप देखते रहिए, एक ना एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तब आप ही मेरे पीछे पड़कर ऑटोग्राफ के लिए क्यू में खड़े हो जाएंगे और सेल्फीज भी लेंगे। जाके अपना काम करो। एक बार वो समुन्दर में नाव में जा रहा था। आहा कितना शांति है इधर, लोगों की बकवास सुन सुन के मेरे कान थक चुके हैं, इधर एक एड़ा भी नहीं है, इस समुन्दर में कितना सुकून है, ऐसा सोच रहा था। इतने में एक बड़ा सा तूफान आकर वो नाव पलट कर उल्टा हो गया। तब वो मोटू तैरते हुए एक द्वीप को पहुंच गया। उधर उस द्वीप में इधर उधर छान मारने लगा तो उसे एक लिलीपुट का गांव दिखाई दिया। उधर छोटे छोटे मनुष्यों को और छोटे छोटे जानवर को देखकर हैरान हो गया। मोटू को देखकर वे लोग तीरों से निशाना लगाया और उनका नायक उधर आया और मोटू से, अरे कौन हो तुम, इधर कैसे आया, तुरंत इधर से चले जाओ नहीं तो हमारे हाथों मारे जाओगे। तब मोटू जोर से हंसने लगा। मेरा डायलॉग्स भी आप ही बोल रहे हो, मेरा नाव समुन्द्र में डूब गया है, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं, कृपया करके मुझे वापस जाने में मदद कीजिए। देखने में तो तुम अच्छे लग रहे हो, हम भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो विद्या आता है वो हमें सिखाओ और हमें जो विद्या आता है हम तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है ना। जरूर, पहले मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ तो खिलाइए ना प्लीज। तब गाड़ियों में बहुत तरीके से खाना उधर आया, मोटू ने चबा चबा कर खा लिया। अगले दिन मोटू उनके मोबाइल को निकालकर उन लिलीपुट लोगों के सामने रखा। इसमें आपको बहुत मनोरंजन मिलेगा, इस मोबाइल में जो नाच रहा है उसकी तरह आप भी नाचिए, कहकर वो भी नाचने लगा। तब सब लिलीपुट खुशी से नाचने लगे। बाद में वो सब लोग पिक्चर भी देखे। फिर मोटू उनको छोटे छोटे क्रिकेट बैट्स और बॉल्स बनाकर उनको दिया और क्रिकेट कैसे खेलते हैं उन्हें सिखाया। वे सब क्रिकेट खेल के बहुत मजे लिए थे। उस शाम को उनका नायक, दोस्त इस मोबाइल में गाने और पिक्चर और ये क्रिकेट खेल के बहुत मजा आया है, हमेशा यही करने के लिए मन कर रहा है, काम तो नहीं करने का मन हो रहा है। तब सब लोग, हाँ हाँ हम कोई काम नहीं करेंगे, हमें केवल मनोरंजन ही चाहिए, मनोरंजन ही चाहिए, कहकर चिल्लाने लगे। इसे बोलते हैं एडिक्शन, बोले तो आदत सा हो जाता है, वो बहुत खतरा हो सकता है। अब मनोरंजन खत्म हो गया, अब शरीर के बल को कैसे बढ़ाना है ये कहता हूँ। आपको तैरना आता है क्या? नहीं नहीं, हम तो पानी से बहुत डरते हैं, बारिश में भी हम नहीं भीगते हैं, उसे छोड़कर और कुछ करने के लिए कहो, हम करेंगे। ऐसे डर जाएंगे तो कैसे होगा, आपको तैरना नहीं आता है इसलिए आप मछलियों को पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, तैरना आया तो उन मछलियों से आपका भूख मिट जाएगा ना, सोचिए, डरिए मत, आपको तैरना सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है, कहकर उधर एक मिनी स्विमिंग पूल को बनाया और लोगों से, देखिए आप डरिए मत, इस तरफ गहराई कम होगी और उस तरफ जाते ही गहराई बढ़ते जाएगी, पहले आपको कम गहराई में तैरना सीखना होगा, तैरना आते ही गहराई में जाकर तैर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वे सब लोग उस मिनी पूल में उतरकर तैरना प्रैक्टिस करने लगे। कम ऑन
कमान लिटिल गाइस, यू कैन डू इट, कहकर उनको बहुत प्रोत्साहन करने लगा। कोई भी डूब जा रहा था तो उनको उसके हाथ से पकड़कर बाहर निकाल देता था। ऐसे कुछ ही दिनों में सबको तैरना अच्छा से आ गया। एक दिन नायक, दोस्त इस द्वीप में फल और सब्जी को खा कर इतने दिनों से हम जी रहे थे, तैरना नहीं आता है इसलिए कभी भी समुन्द्र के पास नहीं गए। तुम्हारे वजह से अब हम में साहस आ गया, अब से मछलियों को भी आहार की तरह बनाएंगे। तुमने हमारा इतना मदद किया है तो इसलिए हम तुम्हें एक उपहार देते हैं, हमारे साथ आओ। ऐसे मोटू उनके पीछे गया। उधर समुन्द्र के किनारे पर एक नाव है, उसमें बहुत सारा सोना भर के है। दोस्त तुम्हें उपहार देने के लिए हमने इस नाव को तैयार किया और उस सोने को हमारे सोने की पहाड़ से खोद के तुम्हारे लिए ही लेकर आए हैं। वो सोना सब तुम्हारा है, अब तुम तुम्हारे गांव चले जाओ। बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका मदद को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसे वे सब लोग मोटू को टाटा बाय बाय कह रहे थे तो मोटू भी उनको टाटा बाय बाय कहकर उधर से निकल गया। गाँव पहुँच के उस सोने को बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लिया, एक कार भी खरीद लिया, बाद में एक फैक्ट्री लगाकर बहुत लोगों को काम दिया।